करते हैं। तो ये मेरे पास बॉक्स है, ये सारे रंग है, इसमें से कुछ मैंने बना लिए तो कुछ अभी बनाने वाले हैं। ओए उधर से कैंची कराई, इधर से मैं बीच में से काट लेता हूँ। ये आ गई मेरे पास कैंची, तो मैं अभी से बीच में से काटता हूँ, इधर से काट लेता हूँ। तो और इधर से काट लेता हूँ इस जगह से। ये अब हो गया साइड पर, अब ये चीज़ रह गई है, तो इतने में बनाते हैं। ये भी उतार देते हैं और ये भी उतार देते हैं। तो आपने देखा कि मेरे से शेप नहीं सही तरह कट रहे, शेप को साइड पर करते हैं। हमने जो सा काम करना है हम सब वो ही करेंगे। तो ये आ गया, तो अब मैं उधर से आपको जो से अभी पेंट बनाए हैं वो दिखाता हूँ, उसके बाद जो से दूसरे हैं वो दिखाऊंगा। तो ये पिंक बना है, रेड, ये स्काई ग्रीन बना है, ये पर्पल बना है। तो अभी शुरू करते हैं, मैं ब्रश पकड़ लूँ। ये 6 ब्रश हैं, इनमें से काफ़ी के रंग लगे हुए हैं। तो ये इसका है, तो इसका मैं शुरू करता हूँ। एस मैं इससे इसे लिखूँगा, तो ये ऐसे कर लेते हैं। ओ तो ये देख सकते हैं कि मेरे से रंग नीचे गिर गया रेड वाला। चले कोई खैर नहीं, यार ये आप देख सकते हैं कि कोई इतना ख़ास नहीं नज़र आ रहा, आपको ब्लैक ब्लैक ही नज़र आ रहा होगा। तो दूसरे रंग को अभी देखेंगे वो कैसे लगते हैं। मैं इन पर फिर एक बारी आउट लाइनिंग कर रहा हूँ ताकि सही हो जाए, मन नहीं हो रहा, इधर से वैसे ही नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। इसे इस ब्रश को कर देते हैं सेट पर। अब इसकी बारी, ये रेड का था, अभी देखते हैं मैं इसमें पास हो पाता हूँ या नहीं। ये दो मैंने लगा दिए, इन दोनों को कर देते हैं साइड पर। ये रह गया, तो आप देख सकते हैं कि ब्लू फिर भी थोड़ा सा नज़र आ रहा था, रेड तो पिंक तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रहा। ये सारे इसने गत्ता गीला कर दिया जिसकी वजह से अच्छा नहीं लगा। तो एक बारी फिर मैं कर देता हूँ ऊपर हल्का हल्का, नहीं नहीं ये आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का करने की वजह से वो सारा गीला हो गया, उसकी वजह से अंदर छेद हो गया। इसे मैं कर देता हूँ साइड पर, इसे इधर रख देते हैं, इसे एक साइड पर रख देते हैं। अब इसकी बारी, ये इसका भी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इसका भी वो ही सीन है, या इसमें हमने पानी डाला है थोड़ा सा जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है।
कैंसल, इसकी एक साइड कैंसल हो गई है, दूसरी साइड पे कुरकुरे लिखा हुआ है, कुरकुरे, ठीक है, इसे आप कर देते हैं साइड पर। इसे इधर लिखते हैं। अब ये पेंट नहीं हम यूज़ करेंगे, हम दूसरे करेंगे, रेड कर लेते हैं। तो ये डब्बी का थोड़ा सा गाड़ लेते हैं। ये हमारी डब्बी भी देसी जुगाड़ है, कोई बाहर से नहीं आई, देसी जुगाड़ है। इस साइड पे बनाते हैं, रेड से शुरू करते हैं। ये लग रहा है कि हो जाएगा, हाँ ये देख सकते हैं कि इससे हो रहा, डार्क से हो रहा, क्योंकि हमने पिछली बार उसमें पानी डाल दिया था, वो अभी भी पड़े हैं, तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे, वो एक साथ ही जाया, तो इसके अंदर हमने नहीं डाला, तो ये लग रहा है, तो आप देखते हैं। इससे एस तो लिखा गया है, अभी थोड़ा सा हमने लगता है पेंट ज़्यादा डाल लिया, तो जिसके वजह से अभी डिज़ाइनिंग कर देते हैं हम। ये नुकरों पर लगा रहे हैं, जोन जोन से साइड पर जोन सा लफ्ज़ होगा उस साइड पर हम वो ही लिख देंगे। अब पेंट वापस अंदर तो जाना नहीं, एक ये ऊपर से ग्लास पेंट है जिसकी वजह से ना ये सूख भी जाते हैं, तो आप इसके ऊपर से ये पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं ये ग्लास पेंट है, ये सूख जाते हैं, जिसकी वजह से ना हमें थोड़ा अंदाज़ा नहीं था, जिसकी वजह से हमने ज़्यादा डाल लिया, तो कोई नहीं, अगली बारी आप अंदाज़ा रख के डालेंगे। तो आपने अगली बारी में बताना कि मैं और कोई बुलाऊँ या नहीं। इधर से वो पेंट गिरा था जिसकी वजह से वो गीला हो गया सारा। मैं अभी बेड के ऊपर बैठा हूँ, अपने बेडरूम में बैठा हूँ। अब हम दूसरा कर लेते हैं, मैं अभी पानी ले आऊँ ताकि पूरे शूज में साफ होते हैं, वो आगे चल के देख लें। तो यार अब मैंने प्ले कर दिया इधर, मैं अभी से इधर ही लगा लेता हूँ। तो ये मैं पानी ले आऊँ, तो इसे मैं अब सारे पूरे शूज में डिप करके ना साफ़ हो जाएंगे, तो जिसके ऐसे ना दोबारा यूज़ में आ जाएंगे, ऐसे पड़े रहेंगे ना दोबारा यूज़ में नहीं आएंगे। ये आप देख सकते हैं अब नरम हो गया, तो इसे मैं साइड पे कर देता हूँ, आपको ये दिखा देता हूँ, ये फुल सख्त सख्त हो गया, जिसकी वजह से इसे भी साफ़ करना है। ये भी साफ़ हो गया, इसे मैं एक साइड पे पानी को रख देता हूँ, ये आखिरी है। और ये रेड एक बार फिर यूज़ कर देते हैं ताकि
तो ये मैंने कोई चावल सी पेंटिंग लगा दी है, आप ये एंड में देख सकते हैं। ये इधर चावल ही हो गया, ये मैं आप दूसरी कर लेता हूँ, इसे भी मैं छोटी कर लेता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये होगी। अब इसमें से कौन सा रंग डालूं? ऑरेंज, ऑरेंज डालते हैं। ऑरेंज 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 इस बार हम कम ही डालेंगे क्योंकि आगे बहुत ज़ाया हो गया। ये सॉरी ऑरेंज नहीं ब्राउन है, मैंने ऊपर पढ़ा नहीं था, इधर साथ में लिखा भी नहीं हुआ, सब हिंट दी हुई है उसकी वजह से पता नहीं चल सकता। ये मैं इस बारी बड़ा ब्रश ले रहा हूँ, मैं छोटे ही लेती हूँ। ये मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दिया ताकि वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। स्पीड तेज़ करने की वजह से ना वो वीडियो छोटी हो जाती है। वो ये देख सकते हैं, ये एस ए लिख दिया, एस और ए लिख दिया। आप देख सकते हैं कि आपको कैमरे में शायद मैं पूरा नज़र ना आ रहा हूँ, तो ये एस और ए लिख दिया क्योंकि मेरे पास मोबाइल स्टैंड छोटा है जिसकी वजह से ना वो कभी यहाँ वीडियो, वैसे तो वीडियो मैं जब दूसरा व्लॉग बनाता हूँ वो तो मैं हाथ में पकड़ के बनाता हूँ, ये उधर रख के बनानी पड़ रही थी इसलिए मैंने मोबाइल स्टैंड बहुत छोटा है तो जिसकी वजह से मैं आ रहा हूँ। अभी मैं अपने भाई से पूछने लगा हूँ मैं पूरा आ रही हूँ नहीं आ रहा हूँ, फेस आ रहा है मेरा। तो आपने देख लिया कि ए लिख दिया, अब इसके नीचे वाली डिज़ाइनिंग करते हैं। जहाँ तक ये ए लिखा होगा वहाँ तक सब डिज़ाइनिंग। ये भाई मेरा कर रहा है क्या मेरे को जस्ट, टाइम ऑफ होने वाला है। नहीं नहीं ये मेरी अभी आप ही आई थी, जो उनसे कह रहे थे मुर्गियों को बाहर निकाल लो। तो अब येलो, ये येलो ही है ना, येलो ही है। अब ये येलो कलर डालते हैं, येलो से लिखते हैं ए, अगला अगला ए लिखते हैं, उसके बाद नीचे आगे पूरे चैनल का मैं लिखूंगा क्योंकि फिर फ़ायदा क्या जो सा मैंने पूरे चैनल का ही नहीं लिखना। तो ये मैंने देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा डालना है,
ये पेंटिंग आपको मेरी हर वीडियो के बैक में नज़र आएगी। जो उनसे मिस हो जाए तो वो तो अलग बात है, मगर मैं जो उनसे मुझे पता होगा कि ये पूरी मैंने लानी है तो ये तो लाऊंगा मैं। आगे मिस हो जाए तो उसका कोई कुछ नहीं कह सकते। इधर भी पेंटिंग ऊपर खच्चे मार देते हैं। येलो कलर बहुत ही लाइट है जिसकी वजह से ना आपको शायद ही नज़र आए कैमरे में, मगर मुझे नज़र आ रहा है वो भी इतना ख़ास नहीं। चले अगला डी लिखना है उसके बाद। अब चैनल का थोड़ा सा नेम रह गया वो लिखेंगे। अब मेरा भाई कह रहा है ब्लू से लिखो, तो डी ब्लू से लिख देते हैं। आपको फिर एक बार येलो का दिखा देते हैं। ये येलो से साथ अभी पूरा नहीं लिखा गया, एक लफ्ज़ रह गया साथ का। ओ जैसे कि आपने सुना है कि मेरा भाई पीछे से आ रहा है आगे जट भी लिखना है, तो ये मैंने बिल्कुल उस हिसाब का डाला है ताकि ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो अभी तिकर वो जो सा रेड था वो अभी तिकर पड़ा हुआ है, तो ये मैंने ब्लू ले लिया। अब इधर से लिखते हैं, मैं एक इक्वल कर लेता हूँ उसे, इसे साइड पर कर देता हूँ, ये एक साइड पर, येलो को भी इस साइड पर कर देता हूँ। यार ये देख सकते हैं कि साथ लिखा गया है। अब इधर से थोड़ी सी डी की चौवल मारनी है, डी वाले कलर की ब्लू की यानी थोड़ी सी उसकी करनी है। जो सा आगे जट है वो मैं सारे बड़े मोटे ब्रश से लिखूँगा ताकि आपको सही सही नज़र आए। ये बहुत छोटा छोटा है, तो अब मैंने अपनी स्पीड का कोई इशू हो जाए तो वो मैं घर में हूँ तो घर में ज़रूर होता है कि काम वगैरह हो रहे होते हैं। आपको पीछे काम का शोर आ रहा होगा तो उससे माजरा। तो ये जट लिख दिया, साथ लिख दिया, आगे जट आने लगा वो लिखते हैं। वो हम लिखेंगे कि किससे। हमारे पास येलो भी हो गया, रेड भी हो गया, ये चार कलर रह गया। इनमें से आप कौन से लिखते हैं? ये ब्लैक नहीं, पर्पल नहीं, वाइट से लिखते हैं। चले वाइट कलर, वाइट किधर गया? ये पिछले कलर, ये जो सा मैंने आपको बताया था कि वो मैंने पिंक कलर बना लिया था जिसमें वाटर डाल दिया था, वो ज़ाया, उसके पूरी एक पैकेट ज़ाया हुआ है। तो आगे जट लिखना है, इससे लिखेंगे। ये आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं इन दोनों में, तो इससे तो और जेंगो वाला लिखा जाएगा।
ये वाइट है क्योंकि इसमें हम थोड़े से दूसरे कलर भी ऐड करेंगे। ये जे आपको इतना खास नहीं नजर आ रहा होगा, ये इसके ऊपर एक ऐसी शेड लगाते हैं। ये भाई मेरा आ रहा है, बीच में बोल रहा है। इसमें अभी हम थोड़ी सी शेड लगाएंगे रेड की। अभी मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप कर नहीं आ दिया। वीडियो को आगे गास करते हैं। ओ ये आप रेड ज़ाया तो नहीं करना था, जिसकी वजह से हम ऊपर थोड़ी थोड़ी सी शेड लगा रहे हैं रेड का कॉम्बिनेशन एक साथ का कह लें। तो ये आप देख सकते हैं हमने ऊपर जो सा रेड कलर लगाया वो ऐसा लगा। आगे चलते हैं, वाइट भी इतना कोई ख़ास नहीं नज़र आ रहा था, अब हम करेंगे ब्लैक से। ब्लैक क्योंकि सारा नज़र आएगा। जे यू डबल टी, यू हम स्मॉल लिखेंगे, टी भी हम एक साफ का लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। हम दूसरी इसकी डब्बी पकड़ लेते हैं। तो यार आपसे एक ही, आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हम मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है किसी और काम के लिए, ये इतना बहुत है तो इसी वजह से ये पहले से खुला हुआ था। ये ब्लैक कलर है, इसे तो हरगिज़ नहीं ज़्यादा देर इसे बाहर सूखने देना क्योंकि ये फिर जल्दी जम जाता है। ये भी कोई इतना खास नहीं है बट ठीक है। इधर मैं थोड़ा थोड़ा डार्क करके लिखूंगा क्योंकि ये पेंट सूख जाता है तो इसे ऊपर ही रहने देंगे, ज़्यादा ब्रश फेरेंगे नहीं इसके ऊपर ताकि ये ब्लैक पेंट है, ये किसी और चीज़ पर भी नहीं, किसी और रंग पर भी नहीं जल्दी लगता, तो ना इस पर कोई और रंग जल्दी लगता है। ये मेरा भाई बीच में बोल रहा है, मुझे बहुत गुस्सा चल रहा है। ये हमने ऊपर से थोड़ी शेड लगा ली, ये इसे हम जल्दी पानी में डाल देते हैं। ये डाल दिया, अब रह गया टी। टी को किससे लिखें, टी के लिए हम दूसरा रंग नहीं यूज़ करें। ये यू लिख दिया, नहीं ये यू डबल टी बनता है यार। ये इसमें से सारे कलरों में से होगा, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, लाइट ब्लू, येलो है, वाइट है और रेड है। तो मेरा जेन बन रहा है कि हल्का हल्का सारा से सारों से लिख देते हैं क्योंकि अब सारे पेंट तो ज़ाया करने नहीं। तो ये मैं पहले लिख लेता हूँ रेड से ऊपर वाला डंडा, ठीक है। उसके बाद ब्राउन, ये ऐसे पूरा ब्राउन से लिख देते हैं। आपने शायद एक गलती का नोट की होगी, वो मुझे भी अभी नज़र आई है तो वो मैं उसे सही करता हूँ, आपको भी बताऊँगा। ये देख सकते हैं टी बहुत छोटा लिखा गया है तो ऊपर मेरे पास जगह भी नहीं है जिसकी वजह से ना नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, जगह बहुत ज़्यादा कम है। अब ब्लू, लाइट ब्लू और उसे येलो से लिखते हैं। ये अभी मैं ब्लू लगा रहा हूँ,
मैं भूल गया था येलो भी लगाना है, तो जिसकी वजह से मैंने टी पूरा ही ब्लू से लिखने लगा था। तो ये मैंने येलो लगा दिया। ये 7-8 लिखा गया, अब 7-8-6 लिखेंगे बीच में, ये लिखेंगे 7-8-6 इस जगह पर, ठीक है। तो वो हम सारा रेड से लिखेंगे, वो भी बड़े वाले ब्रश से। आपने जो सी गलती नोट किया है वो ये है कि इधर भी मैंने टी लिख दिया, इधर भी टी लिख दिया। अभी हम इसका कर लेते हैं, इशू कर लेते हैं। तो इसके ऊपर दूसरे ब्रश से लगाते हैं। ओ माय गॉड, सारा पानी नीचे गिर रहा था। तो इसका एक ही अल्लाह, ये हमने जुगाड़ लगाया है। जल्दी से अब हम 7-8-6 लिख लेते हैं, वो रेड से लिखेंगे क्योंकि रेड हमारे पास बहुत ज़्यादा डल गया था, बगाया है निस्बत। ये 7 जब ये कलर मुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरे से लिखेंगे। ये 7 ने लिख दिया। 8 ये इतना खास नहीं लिखा गया, 8 भी। और अब 6 लिख देते हैं। ये कंप्लीट हो सकता है, हो गया। आप देख सकते हैं ये अगली वीडियो में मेरे पीछे जैसे लगा होगा इस तरह। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और बताना है कैसा ये बना है। तो शेयर करना है, बेल आइकन कमेंट को दबा लेना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।